सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि मेरे पास एक ICICI बैंक का प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है जिसपे मुझे 75,000 का लिमिट भी मिला है, और आज के एपिसोड के माध्यम से बताऊंगा कि मुझे यह कार्ड किस तरह से मिला था, ताकि आप लोग भी यहाँ पे आसानी से ICICI बैंक का प्लेटिनम हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी कार्ड जो होता है ICICI बैंक का, वो कार्ड आप लोग आसानी से बनवा सके। क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ पता ही नहीं है कि सबसे पहला कार्ड किस तरह से यहाँ पर बनाया जाता है, सबसे पहला कार्ड आप लोगों को किस तरह से मिलता है, तो सब कुछ बताएंगे इस एपिसोड में, ताकि आप लोगों का जो भी मन में डाउट है वो चीज़ पूरा तरह से क्लियर हो सके। फ्रेंड, तो यहाँ पे देर ना करते हुए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को सारा गाइड यहाँ पे मैं कर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप लोग ICICI बैंक से जो क्रेडिट कार्ड होता है वह आप लोग 3 या 4 तरीके से आसानी से यहाँ पे बनवा सकते हैं, और सबसे ईजी तरीका आपके लिए कौन सा होने वाला है वो चीज़ भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से आप लोगों को समझ लेना है। सबसे पहला प्रोसेस गाइज यहाँ पे आता है, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आप लोग ICICI बैंक के वेबसाइट पे यहाँ पे जाएंगे, आप लोग अपना पैन कार्ड नंबर, उसके बाद जो भी आपका डिटेल्स होता है वो डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। ये सबसे हार्ड प्रोसेस होता है, और इसमें आप लोगों को बैंक पूरी तरह से बारीकी से आप लोगों पर ध्यान रखे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन चेक किया जाता है कि आपका सिविल स्कोर कितना है, आपका क्या कुछ है, सारा कुछ आपका यहाँ पर चेक किया जाता है। ये एक मैनुअल एप्लीकेशन होता है, इसमें आप लोगों का अप्रूवल का चांस बहुत ही कम होता है। अगर आप लोग नया है क्रेडिट फील्ड में, यानी कि सिविल आपका बिल्कुल ही नया है, तो आपको इस कंडीशन में हो सकता है कि ये कार्ड आपको ना मिले। और दूसरा प्रोसेस गाइज होता है कार्ड टू कार्ड प्रोसेस। तो ये प्रोसेस मेरा काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा है, जो कि मैं भी इस प्रोसेस का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक HDFC बैंक का पहले क्रेडिट कार्ड मुझे मिला था, तो उसी कार्ड के बिहाव पे मैं ICICI बैंक का ये कार्ड मैंने यहाँ पे लिया है। लेकिन शर्त आपका यही होना चाहिए कि आपका कार्ड मिनिमम आपका 2 साल पुराना होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे ये ऑप्शन चूज करके आप आसानी से इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कार्ड 2 साल पुराना नहीं है, जो कि जिस कार्ड के बिहाव पे आप लोग कार्ड लेना चाहते हैं ICICI बैंक का, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होकर सामना करना पड़ सकता है। और तीसरा प्रोसेस गाइज यहाँ पे होता है सिविल बेस, यानी कि अगर आपका सिविल स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपके पास 1-2 क्रेडिट कार्ड भी है और आप उसका ऑन टाइम पेमेंट कर रहे हैं और सभी कुछ आप लोग मेंटेन कर रहे हैं, आपका इंक्वायरी भी सिविल स्कोर में नहीं लग रहा है और आपका सिविल यहाँ पे 780 से अबव है, तो उस कंडीशन में गाइज आप लोगों का नो मैटर आपका इनकम है या फिर नहीं है, बिल्कुल भी आपसे पूछा नहीं जाता है। आपको डायरेक्ट यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे अप्लाई करके सिविल बेस के आधार पे आप लोगों को ये कार्ड मिल जाता है। और चौथा प्रोसेस गाइज ये काफ़ी इजी होता है आप सभी लोगों के लिए, अगर आप लोग पहला क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी कोई कार्ड ही नहीं है लेकिन आप लोग कार्ड लेना चाहते हैं, तो आप लोग FD अगेंस्ट कार्ड ले सकते हैं। ICICI बैंक में ये फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि अगर आप लोग 10,000 से मिनिमम FD करते हैं, तो उसके बिहाव पे भी आपको कार्ड यहाँ पे मिलता है। तो मैंने इस टॉपिक पे एक विस्तार से वीडियो बनाया है कि किस तरह से आप लोगों को यहाँ पे जो है प्लेटिनम कार्ड हो, चाहे कोरल कार्ड हो, चाहे जो भी कार्ड होता है, आप लोग यहाँ पे 10,000, 30,000 या फिर 75,000 से अबव का FD करके किसी भी तरह का कोई भी कार्ड आप लोग ले सकते हैं। और इस कार्ड पे आपको 90,000 प्लस आपको यानी कि 90% से प्लस आपको यहाँ पे लिमिट प्रोवाइड किया जाता है। मान लेते हैं कि अगर आपने 10,000 का FD किया है, तो आपको यहाँ पे करीब 9,000 का आपको लिमिट मिलेगा आपके कार्ड में। तो गाइज इस पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है, आपको ऊपर आई बटन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आप लोग पूरा डिटेल्स यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, और पूरा डिटेल्स में आप लोगों को यहाँ पे वीडियो बना दिया गया है। तो गाइज इस तरह के और भी अगर आप लोगों को वीडियो देखना हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं आप लोगों को आने वाले समय में जो भी कार्ड से रिलेटेड जानकारी दूँ, ताकि आप लोगों के पास वो डायरेक्ट वीडियो पहुँच सके। और गाइज अगर आप लोगों को फिर भी कोई समझने में प्रॉब्लम हुई कि किस तरह से मैं ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करूँगा, तो ये 3 या 4 प्रोसेस होते हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इजी होता है। आप लोग तीनों प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस फॉलो करके इस कार्ड के लिए अप्लाई कर लेना। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।